हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिग्रेशन एनालिसिस का बेसिक कंप्लीट किया था कि ये क्या होता है और रिग्रेशन लाइंस की इक्वेशंस क्या होती हैं ये सभी। अब बारी है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड बोथ रिग्रेशन लाइंस एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये हमारे पास डेटा दे रखा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया है एकदम। अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लेंगे, बेटर लेंगे। तो एकदम आसान समझने के लिए क्वेश्चन लिया है, सिंपल एक्स और वाई की टेबल है, जैसे कोरिलेशन एनालिसिस में दे रखी होती है एक्स और वाई की सिंपल टेबल, वैसे इसमें है। हमें बस दोनों लाइंस बतानी है, एक्स ऑन वाई लाइन और वाई ऑन एक्स लाइन। हमने पढ़ा था दो लाइंस होती हैं, दोनों की इक्वेशन हमने पढ़ी थी। देखो इक्वेशन क्या होती है दोनों की, मैं एक बार लिख देता हूँ। एक्स ऑन वाई लाइन की इक्वेशन तो होती है एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। और y on x लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। ये हमारे पास दोनों लाइंस की इक्वेशन होती है। इसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, एक तो हमें जरूरत है x बार की, एक जरूरत है हमें y बार की, वही दोनों यहां काम आ जाएंगे। उसके अलावा जरूरत है बी एक्स वाई की और जरूरत है बी वाई एक्स की, चार चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तो सबसे आसान चीजें हम निकाल लें, x बार और y बार, फिर byx और bxy के बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्या आती है, x बार, x बार का मतलब क्या है, सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x मतलब ये जो x आपको दिया हुआ है इसका आप टोटल कर लो, सिंपल टोटल 6 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 8, ये सिंपल हमने टोटल कर लिया। n n है 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड लगा दिया। अब आप टोटल करें इसको, 8 प्लस 10 18, 18 और 12 हो जाएगा 30, 30 डिवाइडेड बाई 5 दैट मीन्स 6 आ रहा है x का मीन, मीन ऑफ x। y बार की अगर बात करें तो सिग्मा y डिवाइडेड बाई n फॉर्मूला होगा इसका, सिंपल सा फॉर्मूला है, एकदम सिंपल सी इंडिविजुअल सीरीज है, कुछ दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। 9 प्लस 11, सिग्मा y मतलब y को टोटल कर लो, 9 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5। आप टोटल करें इसको, ये हो गया 20 25 और 40 हो गया है, तो 40 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 8। तो x का मीन और y का मीन तो इजीली निकल गया, जो हम यहां पर और यहां पर रख देंगे। अब जो मेन निकालने की चीज है ना वो है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, इसको किस तरीके से निकालें। तो इसके फॉर्मूले पहले मैं लिख देता हूं तो हमें पता चलेगा कि इनको निकालने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है हमें। देखिए क्या आते हैं, ये है एक तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला मैं लिख दूं, जो कि होता है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। और ऐसे ही बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये दोनों के फॉर्मूलेज हैं। इन दोनों के फॉर्मूलेज को अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक तो हमें जरूरत है एन की, सभी जगह है, एक हमें जरूरत पड़ेगी सिग्मा एक्स वाई की, इधर भी है, एक हमें जरूरत पड़ेगी सिग्मा एक्स की सिग्मा वाई की, ये सभी तो फर्स्ट लाइन में दिख रही है हमें। सेकेंड लाइन में दो और खास चीजें हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स तो चलो यहां से मिल जाएगा, एक इधर सिग्मा वाई स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो अल्टीमेटली उन छह चीजों की जरूरत पड़ रही है जिन छह चीजों को हम कोरिलेशन कोफिशियंट जब हम फाइंड करते थे तो भी निकालते थे। तो सेम टू सेम वही छह चीजें हैं जो कोरिलेशन कोफिशियंट हम निकालते थे उस समय फाइंड किया करते थे, क्योंकि आप देखोगे फॉर्मूला ही सेम है। एक्चुअली बी एक्स वाई बी वाई एक्स के और भी फॉर्मूलेज होते हैं, लेकिन हम वो फॉर्मूला सेलेक्ट किए हैं जिससे सबसे आसान हो जाएगा, जिससे हमने कोरिलेशन कोफिशियंट सीखा था, सेम टू सेम वही फॉर्मूला हम रिग्रेशन कोफिशियंट निकालने में लगा देंगे। तो अब देखिए एन तो पता है 5 है, सिग्मा एक्स वाई मिलेगा एक्स इंटू वाई से, तो सेम वही कहने का मतलब है कि एक तो एक्स स्क्वायर चाहिए, एक वाई स्क्वायर चाहिए और एक एक्स वाई चाहिए। आप देख लीजिए सिग्मा एक्स यहां से मिल जाएगा, सिग्मा वाई यहां से मिल जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर यहां से, सिग्मा वाई स्क्वायर यहां से और सिग्मा एक्स वाई यहां से, एन हमें पता ही है। तो ये सारी वैल्यूज आराम से मिल जाएगी,
केवल इस टेबल को कंप्लीट कर लेना है, लास्ट में सबका टोटल कर लेना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, फाइनल इन फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा। तो देखिए करते हैं स्टार्ट। एक्स स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर आप करें 36 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, 4 का हो जाएगा 16 और 8 का 64। वाई स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 11 का 121, 5 का होता है 25, 8 का होता है 64 और 7 का होगा 49। एक्स इंटू वाई, 9 इंटू 6 54, 11 इंटू 2 22, 10 इंटू 5 50, 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 7 56। अब हमें बस लास्ट में सभी का टोटल कर लेना है। देखिए क्या टोटल आ रहा है, इसका टोटल किया है अभी अभी 30 आया था, इसका टोटल अभी भी किया 40 आया था, इसका अगर आप टोटल करोगे तो ये 220 आएगा, इसका टोटल करोगे 340 आएगा और इसका 214 आएगा। अब ये सभी वैल्यूज एक तो इस फॉर्मूले में रखें अलग से, इसमें रखें अलग से, तो देखिए क्या आंसर आएगा। मैं सबसे पहले तो BYX निकाल रहा हूँ। n हमारा 5 है, ये n 5 है, सिग्मा एक्स वाई ये रहा 214 माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाय n वही 5, सिग्मा एक्स स्क्वायर 220 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1070 बनेगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 डिवाइडेड बाय, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1100 और ये 30 का स्क्वायर 900, माइनस कर लीजिए इन दोनों को, ये आता है माइनस का 130 डिवाइडेड बाय, ये ऊपर नीचे आएगा प्लस का 300, माइनस का 130 को 300 से डिवाइड दो, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 13 डिवाइडेड बाय 30 वो 0.65 आएगा, लेकिन इस साइन का विशेष ध्यान रखना है ये नेगेटिव आ रहा है, ये हमारा माइनस 0.65 आ गया जो हम यूज ले लेंगे जब हमें ये निकालना होगा उस समय हम यूज लेंगे। अभी फिलहाल बारी है बी एक्स वाई निकालने की, तो ये मैं एक लाइन बना देता हूँ। बी एक्स वाई देखिए क्या आएगा, एन अगेन 5, सिग्मा एक्स वाई ऊपर वाली टर्म तो एकदम ही सेम है ना, तो इसी में से देख करके ऊपर वाले लिख लेते हैं, ये 214 आएगा माइनस ये 30 है और ये 40 है, ऊपर वाली टर्म तो एकदम सेम ही है, नीचे वाली चेंज हो रही है बस। तो n मीन्स 5, सिग्मा वाई स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करो 340 आ जाएगा माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई है 40 तो 40 का होल स्क्वायर हो गया। अब जरा ये फाइनल कैलकुलेट करें हम, ऊपर तो ये अगेन 1070 माइनस 1200 बनेगा, नीचे जरूर इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1700 और ये आ रहा है 1600, तो ऊपर तो माइनस का ही आएगा 130 अगेन और नीचे इस बार 100 बन रहा है, तो जब आप इनको डिवाइड दोगे तो डायरेक्ट पॉइंट शिफ्ट हो जाते हैं तो 1.3 आ रहा है, नेगेटिव ही आएगा, दोनों के साइन हमेशा सेम होते हैं, दोनों या तो पॉजिटिव होते हैं या दोनों नेगेटिव भी होते हैं, दोनों के साइन सेम होते हैं। दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई है, एक्स बार और वाई बार हमारे पास है। अब मैं फाइनल इसमें वैल्यू रख रहा हूं, मैं एक बार ये हटा रहा हूं और ये वैल्यूज बस बचा करके इसमें रख रहे हैं अपन। देखिए सबसे पहले तो हम निकाले एक्स ऑन वाई लाइन, तो एक्स ऑन वाई फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है, मैं सीधा वैल्यू रख रहा हूं उसमें, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं वापस से। तो एक्स माइनस एक्स बार है 6 इज इक्वल टू बी एक्स वाई ये है माइनस 1.3 और वाई माइनस वाई बार ये रहा 8। अब जरा इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें हम, एक्स माइनस सिक्स
मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये साइन का थोड़ा ध्यान रखें, माइनस साइन है तो y से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 1.3 इंटू वाई होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.3 इंटू 8, ठीक है। तो ये देखिए कितना बन रहा है, x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस का 1.3 इंटू वाई प्लस में जब इसको ऐड करोगे तो ये बनेगा 10.4। अब इस माइनस 6 को आप उधर ले जाएं, प्लस 6 बन जाएगा वो, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1.3 इंटू में y प्लस 10.4 प्लस 6 और फाइनल आंसर बन रहा है माइनस 1.3 इंटू में y प्लस में 16.4। ये हमारी लाइन हो गई x on y लाइन। जब भी x on y लाइन आप निकालें, आप x एक तरफ रख लें और बाकी सब कुछ दूसरी तरफ रख लें, ये पैटर्न होता है लिखने का। बाकी अगर आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो भी ऐसा नहीं है कि गलत होगा, लेकिन पैटर्न है कि x एक तरफ रखें और बाकी पूरी इक्वेशन दूसरी तरफ चली जाए। तो x on y कंप्लीट, अब बात करते हैं y on x। तो y on x लाइन सेम टू सेम काम होगा, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, y माइनस वाई बार, तो y माइनस वाई बार ये रहा 8 इज इक्वल टू बी वाई एक्स, बी वाई एक्स ये रहा माइनस 0.65 और x माइनस एक्स बार, तो x माइनस एक्स बार ये रहा, x बार है 6, तो ये 6 हो गया। अब जरा थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें इसको, जैसे इसमें किया है हमने, तो ये हो जाएगा y माइनस 8 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें, माइनस साइन है तो थोड़ा सा ध्यान से ही करना है, माइनस 0.65 इंटू वाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.65 इंटू 6, साइन पॉजिटिव हो गया, बाकी मल्टीप्लाई तो करना ही है अपने को। तो क्या बन रहा है देखिए, ये बन रहा है y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 0.65 इंटू में y प्लस में, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो बनते हैं 3.9। अब जरा इस 8 को माइनस को उधर ले जाओ, प्लस में बन जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 0.65 इंटू में y, ये माइनस 8 उधर जाके प्लस 8 होने वाला है, तो 8 और 3.9 इन दोनों को ऐड करोगे तो 11.9 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारी लाइन आ गई y on x लाइन। दोनों लाइंस फॉर्मेट में लिखी हुई है, x on y लाइन x इज इक्वल टू करके लिखी जाती है, y on x लाइन में y एक तरफ रख लो बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ आप, तो ये फॉर्मेट है लिखने का। अब ये दो लाइंस हमारे पास आ गई हैं, तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था, क्वेश्चन और आगे एक्सटेंड हो सकता है, क्वेश्चन आगे ऐसे एक्सटेंड हो सकता था कि चलो आप ये बताओ कि भाई x की वैल्यू अगर इन फ्यूचर कभी 30 हुई तो उसके रेस्पेक्ट में y कितना आएगा। तो x की वैल्यू अगर 30 हुई और y पूछा है, तो y पूछा है तो y on x लाइन इक्वेशन काम आएगी जिसमें y पूछा गया है। तो x की वैल्यू मैंने यहां गलती से y ही लिख दिया है, यहां पर x है, तो यहां x की वैल्यू आप उस केस में 30 रख दो और y निकल जाएगा। या फिर पूछ सकता है कि भाई y की कभी वैल्यू इन फ्यूचर हो जाएगी मान लो 20, उस केस में x कितना आएगा, तो y की वैल्यू 20 आप यहां रख के x निकाल लो x on y लाइन से। दोनों अलग अलग लाइंस का यूज होता है दोनों केसेस में, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर पूछा जा सकता है कि r की वैल्यू बताओ, r की वैल्यू हम bxy और byx की फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मतलब अगर आपके पास byx और bxy फॉर्मूले की हेल्प से आपने निकाल लिया है फाइनल आंसर, तो इन दोनों की हेल्प से r की वैल्यू एक लाइन में निकल जाती है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको बेसिक तो क्लियर हो ही गया होगा। अगर ये वैल्यूज बड़ी आ जाएं तो कैलकुलेशन को आसान सेम उसी तरीके से बनाया जाता है जिस तरीके से हम कोरिलेशन कोफिशियंट में बनाया करते थे। कोरिलेशन कोफिशियंट में क्या करते थे, यहां सिंपल एक्स वाई वगैरह लिखा हुआ है उसकी जगह हम डीएक्स डीवाई सिंबल यूज ले लेते थे आर की वैल्यू निकालते टाइम। तो उसी तरीके से bxy और byx ये अगर आपको निकालने हैं तो यहां भी n sigma dx dy minus sigma dx sigma dy n sigma dx square minus sigma dx का होल स्क्वायर, सेम वहां भी सब जगह d लग जाएगा। इस तरह के अप्रोच से यूज लेते हैं हम। और dx और dy क्या होते हैं, x में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, y में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरह का हम लोग बनाते हैं डेविएटेड x और डेविएटेड y। ये अगर आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने वाला लेक्चर जरूर देखें, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो हम एग्जांपल लेंगे वो समझ आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में, थैंक यू।